हरी मिर्च, कोतमीर, लहसुन जो मैंने आपको बताई थी, मैंने यह छोटे से हमाम दस्ते के अंदर पीस ली, मतलब कूट ली। और ये जो बांगड़े थे, बांगड़ा मच्छी, इसको मैंने मसाला लगा कर रखी हूँ। अभी मैं फ्राई कर दूँगी क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी साथ में बन जाए। और ये मच्छी, पापलेट मच्छी को मैंने धोकर अच्छे से धोई और उसमें मैंने नमक लगा के 10 मिनट रखी ताकि जो मच्छी के अंदर जो पीत रहता है उसके पेट के अंदर, तो उसी के अंदर मैंने अच्छे से नमक लगा के रखी कि कड़वी ना दिखे मच्छी। इसी के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाली हूँ, जीरा, सॉरी 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दी। यहाँ पर हमारी मच्छी भी फ्राई हो जाए। बड़ा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक। आपने तो देखा होगा सिर्फ मैंने जीरे से तड़का दी और हरी मिर्च, कोतमीर, लहसुन, नमक और हल्दी पाउडर। उसी के बाद हम ये हरी मिर्ची में मच्छी छोड़ेंगे। इसी के अंदर मैंने आधा कप पानी डाली हूँ कि अच्छे से पक जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना हमको, नहीं तो पूरा पानी जैसा लगेगा क्योंकि अंदर ज़्यादा मसाला नहीं है, ना हल्दी है, ये ना इसी के अंदर धनिया पाउडर नहीं, ना इसी में खोपरा है, ना इसमें कांदा है, इसीलिए हल्का सा हमें आधा कप पानी डालना है जिससे हमारी मच्छी पके। ये हमारे मच्छी का सालन बनकर तैयार हो चुका है और ये मच्छी फ्राई और ये ज्वार की रोटी बन चुकी है हमारी और ये मच्छी का सालन। आप ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये मच्छी का सालन कैसा बना है।